Sagan. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरविंद और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट इन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने फेसबुक पेज के द्वारा किसी को SBI बैंक अकाउंट से किस तरह से किसी को पैसे भेज सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आपका वीडियो प्ले होता है तो वीडियो के नीचे आपको देखेंगे यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन है, आप इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और अपना CSS रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना समय के बाद इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए सीख लेते हैं कि किस तरह से हम किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने SBI अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक का पेज इस्तेमाल करके अपना अकाउंट किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना फेसबुक खोल लेता हूँ, ठीक है, सिंपली फेसबुक अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना यूजर ID और पासवर्ड डाल लेता हूँ, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा फेसबुक अकाउंट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए सर्च बार में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चेक मार्क है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे लोगो है और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे पेजेस खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है SBI का पेज यहाँ पे खुल चुका है। और इस पेज को स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे SBI मिंगल एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मिंगल पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉन्च ऐप नाउ, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर SBI मिंगल यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर SBI मिंगल का यहाँ पे फेसबुक पेज खुल चुका है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ नाउ, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये पेज यहाँ पे ऑफरिंग पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इसको मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्टर विथ योर डेबिट कार्ड एंड पिन, ओके। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर विथ योर अकाउंट नंबर, आप अपने अकाउंट नंबर से आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड और पिन नंबर से। उसके बाद इसमें दोस्तों और क्या क्या ऑफर हैं, यहाँ पे अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेकबुक को मैनेज कर सकते हैं, SMS अलर्ट की सर्विस आपको मिलेगी, यहाँ पे SMS अलर्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने ATM कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और P2P आप जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर है, ठीक है, रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे बॉक्स आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे मोबाइल पर देखिए 1 time पासवर्ड आया हुआ है, ठीक है, OTP सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल, ठीक है। तो 1 time पासवर्ड यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ पर मैं 1 time पासवर्ड मैं एंटर कर ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका कम से कम 8 characters का होना चाहिए और एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आई एक्सेप्ट मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट में मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेसी स्टेटमेंट्स है, आप इनको पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्टन सिक्योरिटी फीचर के थ्रू यहाँ पे इसको यहाँ पे सिक्योरिटी है, पावरफुल सिक्योरिटी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड अपना टाइप कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे प्राइमरी मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे व्यू बैलेंस।
उसके बाद यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आ चुका है और यहाँ पे आप अपना चेकबुक आप यहाँ पे अपना मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप यहाँ पर, SMS अलर्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज बेनिफिशरी, यहाँ पे बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं। सर्च नियरेस्ट ATM, आप अपना नज़दीक का ATM नियरेस्ट ATM आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद P2P मनी ट्रांसफ़र है। उसके बाद यहाँ पे मंथली स्पेंड और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले बैलेंस कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं व्यू बैलेंस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर व्यू बैलेंस, यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 98.47 रुपीज़, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे मैं होम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिनी स्टेटमेंट्स यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिनी स्टेटमेंट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे नो रिकॉर्ड्स, क्योंकि अभी मैंने फेसबुक पेज पर अभी मैंने कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक खोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं मेनू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनेज बेनिफिशरी, ठीक है, मैं मैनेज बेनिफिशरी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाइड डेबिट कार्ड यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना डेबिट कार्ड यहाँ पे मैं डाल ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैनेज बेनिफिशरी, ठीक है, मैनेज बेनिफिशरी पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फॉर्म बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर एड न्यू बेनिफिशरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अकाउंट विद इन SBI इंटरबैंक, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने अपना डिटेल्स यहाँ पे डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे मोबाइल पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल के सबमिट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पर मैं ओके पर मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मेरा यहाँ पे नाम है, उसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ पे लिमिट्स, ठीक है। और इसमें अगर मैं कोई मॉडिफिकेशन करना चाहूँ तो यहाँ से मॉडिफिकेशन करना कर सकता हूँ, और यहाँ से इसको रिमूव करना चाहूँ तो रिमूव कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होम पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर हम चले आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अदर अकाउंट विद इन SBI, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट में अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए क्योंकि ट्रांसफ़र करने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेनिफिशियरी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड है, इस पर मैं सिंपली सबमिट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे बेनिफिशियरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा अकाउंट है और किस अकाउंट में पैसे जाने, यहाँ पे देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंफर्म डिटेल्स, उसके बाद अदर अकाउंट विद इन SBI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड पूछ रहा है और यहाँ पे मैं डाल ले रहा हूँ हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड मेरे मोबाइल पे आ चुका है SBI की तरफ से, तो इसमें मैं डाल ले रहा हूँ, ठीक है, 7 6। उसके बाद यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे कंफर्म करने के बाद देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंफर्म होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, ठीक है। आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट रेफरेंस ID यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ओके बटन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेनू पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेनू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपना मैं अकाउंट चेक कर लेता हूँ, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू मिनी स्टेटमेंट, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/12/2016 टू ट्रांसफ़र 50 रुपीज़, ठीक है।
यानी कि पहले मेरे अकाउंट में 98.47 रुपीज़ यहाँ पे था और यहाँ पे 50 रुपये डेबिट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लाइक का बटन है, हमारे वीडियो को लाइक करें, यहाँ पे शेयर है शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इस चैनल पर अपने कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल टेक्नोलॉजी और अपना सीसी से रिलेटेड वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ खास स्पेशल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिया है तो मोस्ट वेलकम। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।